नमस्कार दोस्तों, मैं CKP स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं छोटू कुमार, जो कि आज का जो मेरा क्लास होगा सोशल साइंस क्लास टेंथ का, जो कि है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा मॉडल पेपर का 2021 में। अगर आप बोर्ड का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो पिछले जो कि मैंने 24 क्वेश्चन तक का मैंने यहाँ पर बात कर लिया था, तो इस वीडियो में 25 क्वेश्चन से मैं बात करूँगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जल महासागर में निहित है। तो ऑप्शन ए में दिया है 9.9%, 9.5%, बी में 96.5%, सी में 96%, डी में 96.6%। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी 96.5% प्रतिशत भाग जो कि महासागर में निहित है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है, कह रहा है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल निहित है। तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल निहित होता है। तो ऑप्शन ए में 55%, बी में 60%, सी में 65%, डी में 70%। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा बिल्कुल 65% प्राणियों के शरीर में जल निहित रहता है, 65%, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सत्ताईस है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो ऑप्शन ए में 20, बी में 19.27, सी में 20 और डी में 20.60। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 19.27% जो है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ था। 2001 में 19.27% जो कि वन का विकास हुआ था, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। तो ऑप्शन ए में 20.60% क्षेत्र में, बी में है 20.55% क्षेत्र में, सी में कह रहा है 20% क्षेत्र में, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन बी होगा, 20.55% क्षेत्र में जो कि है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना परसेंट है। तो 20.55% है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 करा, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की जो दी हुई महानता देन है, सबसे बड़ा तोहफा होता है। तो ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, बी में मार्टिन लूथर, सी में मोहम्मद पैगंबर, डी में है ईसा मसीह। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर जो था, ईश्वर की दी हुई महानतम देन था उसका, जो कि सबसे बड़ा तोहफा जो कि है मार्टिन लूथर को था, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था। तो ऑप्शन ए में फ्रांस, बी में रूस, सी में अमेरिका, डी में इंग्लैंड। तो रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो फ्रांस का था, ऑप्शन ए यहाँ पर मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 करा, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन ए में भारत, बी में जापान, सी में चीन, डी में अमेरिका। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन सी होगा, चीन में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुआ था चीन में, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, करा, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई थी। तो ऑप्शन ए में मिस्र, बी में भारत, सी में चीन, डी में जापान। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, परीक्षा में जो मुद्रित पुस्तकों की जो मांग बढ़ाई थी वो चीन बढ़ाया था, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 करा, महात्मा गांधी किस पात्र का संपादन किया। तो ऑप्शन ए में कॉमन बिल, बी में है यंग इंडिया, सी में बंगाली, डी में यंग बिहारी। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, महात्मा गांधी किस पात्र का संपादन किया था, तो यंग इंडिया पात्र का उन्होंने संपादन किया था महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पर मैं जो किया मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 करा, किस पात्र ने रातों रात जो कि वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो ऑप्शन ए में हरिजन, बी में भारत मित्र, सी में अमित्र बाजार पत्रिका, डी में हिंदुस्तान रिव्यू। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, करा, किस पात्र ने रातों रात जो किया है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दिया था। तो अमित्र बाजार पत्रिका जो किया है अपनी भाषा को इन्होंने बदल दिया था, ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, करा 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुँचाएँ? तो ऑप्शन ए में मार्को पोलो, बी में निकीतिन, सी में जो कि है इटिसन, बी में जो कि मेगास्थनीज। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मार्को पोलो जो था 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने को यूरोप में पहुँचाए थे, तो मार्को पोलो ने पहुँचाया था 13वीं सदी में। ऑप्शन ए यहाँ पर मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है, करा कोई ग्रुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो ऑप्शन ए में है अमेरिका, बी में जर्मनी, सी में जापान, डी में इंग्लैंड। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ग्रुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, करा कि ग्रुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई थी? तो ग्रुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक का छपाई किया था? तो ऑप्शन ए में कुरान, बी में गीता, सी में हदीस, डी में माई जो कि है बाइबिल। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, बाइबिल जो था, ग्रुटेन सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई किया था बाइबिल ने, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी यहाँ पर मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, करा इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो ऑप्शन ए में है जो कि हैमिल्टन, बी में जो कि कैक्सटन, सी में एडिसन, डी में जो कि स्थमत। यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, कैक्सटन जो था इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था, तो कैक्सटन था, ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, करा है कि विश्व व्यापारी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो ऑप्शन ए में 1914, बी में 1922, सी में 1929, डी में 1927। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन सी होगा, 1929 ईस्वी में विश्व व्यापार जो कि व्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था, ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, तो दोस्तों देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर, करा आर्थिक संकट मद्री के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ? तो ऑप्शन ए में साम्यवादी शासन प्रणाली, बी में करा है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, सी में जो कि है फांसीवादी शासन प्रणाली, डी में पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन सी होगा, फांसीवादी संसाधन प्रणाली जो था आर्थिक संकट मद्री के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ था, तो फांसीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ था, ऑप्शन सी यहां पर मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके, जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।